प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक मौका और दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बल और शक्ति दी कि आज मैं वापस इस सभा में आ सका। मैं उसके लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मुझे बल और शक्ति दे। पिछले कई हफ्तों से हम लोग पहला यूहन्ना पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दो विशेष शब्द हमने बार बार देखे थे या देखा था। पांचवें पद में हम पढ़ते हैं, जो शुभ संदेश हमने प्रभु से सुना और तुमको सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, मैंने ज्योति और अंधकार शब्दों के बारे में काफ़ी सारी बातें आपको बताई थी। हमको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब तक हम इस संसार में हैं तब तक ज्योति और अंधकार के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनके जीवन में भी ज्योति और अंधकार का संघर्ष चलता है। जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उनके जीवन में भी ज्योति और अंधकार का संघर्ष चलता है। आज सुबह कलमशेरी मेडिकल कॉलेज के पास एक घटना हुई, जिसके बारे में कई लोगों ने आकर मुझसे पूछा। घटना यह है, वहाँ पर 2,500 लोगों की एक सभा, मसीही सभा चल रही थी, और सभा के आरंभ होने के कुछ समय के बाद सभा के बीचों बीच एक बम फट गया। किसी ने बम ला के रख दिया था, बम फट गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 20-25 लोग घायल हो गए। कल जब अखबार आएगा तब विस्तार से बात पता चलेगी। सवाल इस बात का नहीं है कि बम फटा या नहीं फटा, सवाल यह है कि किस व्यक्ति ने वहाँ पर ले जाकर बम रखा। सवाल यह है कि उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या था। अभी जब हम लोग आ रहे थे घर से, तब मुझे खबर मिली, सही है या गलत है ये तो कल अखबार में ही पता चलेगा। खबर यह है, एक आदमी ने कहा कि इस चर्च में जो कुछ हो रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, यहाँ पर कई गलत बातें हो रही है, मैं कह कह के हार गया और इसलिए मैंने लाके बम रख दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ठीक है उस चर्च में जो भी हो रहा था उससे एक व्यक्ति को संतोष नहीं मिल रहा था, वो संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ले जाकर निर्दोष लोगों के बीच में एक बम रख दिया जो फट गया। उसके मन में जो समस्या थी, अब समस्या का हल मिल गया क्या?
जो प्रश्न हमें बार बार सोचना है, वो कह रहा था कि चर्च में समस्या है इसलिए मैंने बम रखा। बम रखने से समस्या हल हो गई क्या? नहीं हुई। एक व्यक्ति की जिंदगी चली गई, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, कानून के अनुसार आपने हत्या की है, एक व्यक्ति की हत्या आपने कर दी, चर्च की समस्या हल हो गई क्या? नहीं। 20-25 लोग घायल हो गए, उन घायलों के कारण समस्या हल हो गई क्या? नहीं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो व्यक्ति समस्या का कारण है क्या? नहीं। जो 20-25 लोग घायल हो गए वे लोग समस्या का कारण है क्या? नहीं। तो सवाल यह है कि हम पढ़े लिखे अकलमंद लोग जो एक दूसरे को सभ्य कहते हैं, सभ्य समझते हैं, सभ्य समाज में एक समस्या के हल के लिए आप 25 लोगों को घायल कर रहे हैं और एक की ज़िंदगी ले रहे हैं, जिस व्यक्ति की ज़िंदगी आपने छीन ली है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई पुरुष था, संभावना इस बात की है कि पुरुष था तो शादीशुदा होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, आपने एक समस्या को हल करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का जीवन ले लिया जिसका उस समस्या से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी पत्नी को विधवा कर दिया, उसके बच्चों को अनाथ कर दिया, क्या हल निकला? और आपको मालूम है क्या कि बम आदि रखने पर, खासकर यदि मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा, दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति मनुष्य का रक्त बहाएगा, जो रक्तपात करेगा, जो हत्या करेगा, उसका जीवन मनुष्य द्वारा ले लिया जाएगा। और इसलिए कानून में इस बात का प्रावधान है कि हत्यारे को फांसी दे दी जाए। तो अब जरा सोचिए, उस आदमी को लगता है कि कोई समस्या है, वो कह रहा है पिछले 5 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि समस्या है, उसने उस समस्या का जो हल ढूंढा वो सही हल था क्या? नहीं। उससे लोगों को सुख पहुँचा, भाई कोई समस्या है तो उसका मतलब है कि लोगों को दुख होता है, समस्या हल करोगे तो सुख होगा, सुख मिला क्या लोगों को? नहीं। एक परिवार में बच्चे अनाथ हो गए, समस्या का हल है क्या? नहीं। एक स्त्री विधवा हो गई, समस्या का हल है क्या? नहीं। पुरुष के बदले यदि वहाँ स्त्री की मृत्यु हुई है तो, पुरुष है या स्त्री, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है, स्त्री की मृत्यु हुई है, एक आदमी ने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया, बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया, समस्या हल हो गई क्या? नहीं हुई। कहाँ कौन सी समस्या हल हुई है? बल्कि आप कह रहे हैं चर्च में समस्या है, लेकिन उसके हल के रूप में आपने और बड़ी समस्या पैदा कर दी। उस डॉक्टर के समान है जिसके पास एक आदमी जो है वो नाखून दिखाने ले गया, तो डॉक्टर ने देखा, वो बोले कि भाई तुम्हारा नाखून जो है उसमें इन्फेक्शन है और अभी हम इलाज कराए देते हैं। उसके बाद उस आदमी को पकड़ के ले जाके बेहोश कर दिया और घुटने के नीचे पैर ही काट दिया। डॉक्टर का कहना है कि समस्या हल हो गई, लेकिन कल तक अच्छा भला आदमी जो कम से कम लंगड़ाते हुए चलता था, एक ही पैर रह गया, अब वो क्या करेगा? सवाल यह है कि हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम लोग जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, हम लोग जो शहर का जीवन बीतते हैं या शहर का जीवन बिताते हैं, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे अनपढ़ लोगों की तुलना में ज़्यादा सही निर्णय लेंगे, सवाल यह है कि ऐसे एक व्यक्ति ने जरा सी समस्या को हल करने के लिए इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दी, 20-25 परिवारों को मुसीबत में डाल दिया, एक परिवार को अनाथ कर दिया, और सबसे बड़ी बात, अब वो जिंदगी भर जाके जेल में सड़ेगा। क्या समस्या हुई,
क्या क्या हल निकाला उसने। तो सवाल यह है कि समझदार आदमी समझदारी के साथ समस्या का हल निकालने के बदले इस तरह के मूर्खता से भरे हुए काम करता है कि इतनी सी समस्या थी और इतनी बड़ी समस्या उसने पैदा कर दी और अब वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। जेल में समस्या का हल हो जाएगा क्या? जेल में उसको चर्च मिल जाएगा क्या? जेल में उसको एकात्मिक परिवार मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम यूहन्ना की पहली पत्री से जिन पदों को पढ़ रहे थे उसमें बार बार दो शब्द आए हैं, प्रकाश और अंधकार। मनुष्य अपनी समस्या को जिस तरह से हल करना है उस तरह से हल करने के बदले समस्या के हल के रूप में उससे हजार गुना बड़ी समस्या पैदा कर देता है। इसका मूल कारण है अंधकार। मूल कारण है उसके हृदय में जो अंधकार है। उस अंधकार के बारे में कई सारे पद हमने पढ़े थे जिसमें आखिरी पद ये था, पहले यूहन्ना 1:8 जो हमने लास्ट अध्ययन किया था, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल ये तो शायद उन लोगों के बारे में है जिन्होंने कभी भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। नहीं, ये सभी लोगों के बारे में है। जिसने भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में प्राप्त नहीं किया है उसका जीवन तो पाप से भरा हुआ है। जीवन मेरा था पाप से भरा। हम जितने गाने गाते हैं यहाँ पर, इनमें कई गानों में ये बात याद दिलाई जाती है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। किस चीज़ से मुक्ति? पाप की सजा से। शांति दिलाए यीशु नाम। किस बात से? पाप के कारण। पाप के कारण हमारे जीवन में जो अशांति है। तो जब प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। आज जितने भाई और बहन इस सभा में बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, यदि आपने अपने जीवन में पाप की जो समस्या है उस समस्या का हल नहीं किया है तो जिंदगी भर पाप आपको नियंत्रित करेगा। पाप का नियंत्रण आपके ऊपर रहेगा। आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी करेंगे और जो कुछ भी चाहेंगे वो बुद्धि के द्वारा नहीं बल्कि पाप का जो प्रोत्साहन है उस प्रोत्साहन में करेंगे। सवाल यह है इस तरह से जीवन बिताने का क्या फायदा है? भाई जब तुम्हारे सामने जीवन का रास्ता प्रभु ने खोल कर रख दिया है और जब प्रभु ने साफ साफ बताया है मेरे बच्चे ये जीवन का रास्ता जो है इस रास्ते पर चलने के लिए तुमको कुछ नहीं को नहीं करना है, तुम्हें ना तो जप करना है ना तप करना है ना त्याग करना है, तुमको सिर्फ एक काम करना है, तुम जिस पाप के रास्ते पर चल रहे हो उससे मुड़कर जीवन के रास्ते पर आकर प्रभु से बोल दो, हे प्रभु आज के दिन मैं आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मैं आपको मुक्तिदाता मानता हूँ। जब हम प्रभु के सामने जाकर प्रभु से कह देते हैं कि प्रभु मैं आपको मुक्तिदाता मानता हूँ तो उसके साथ साथ हम जिस अंधकार में चल रहे थे पैदाइश से लेकर जिस अंधकार में चल रहे थे उस अंधकार से बचकर प्रभु यीशु के द्वारा ज्योति से भरे हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, जब मैं 6 साल का था मैंने अपने पापा से पूछा, पापा स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? पापा ने बताया, बेटा
जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, आया है सो जाएगा, मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा, लेकिन कहाँ जाएंगे ये हमारे चॉइस के ऊपर है, चुनाव के ऊपर है। फादर ने मुझे बताया कि देखो आज के दिन यदि तुम प्रभु यीशु से बोल दो कि हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए मुझे मुक्ति देने के लिए संसार में पधारे, मैं जानता हूँ कि मुझे मुक्ति देने के लिए आपने सूली पर अपना जीवन बलिदान के रूप में अर्पित किया और आज मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। जब हम इस तरह से करते हैं तब शाश्वत जीवन हमारा हो जाता है। पापा ने जब ये बात बताई मैंने इस बात को समझा, तुरंत घुटने टेक कर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने स्वयं के कर्मों से शाश्वत जीवन नहीं पा सकता, मैं इस बात को पहचान गया हूँ कि आपने सूली पर जो बलिदान किया था वो मेरे लिए किया था, आपने सूली पर अपना जीवन दिया वो मेरे पापों की सजा थी, मुझे पापों की सजा जो उठानी चाहिए थी वो सजा आपने अपने ऊपर उठा ली, इसलिए आज मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपको मुक्तिदाता मानता हूँ। 6 साल की उम्र में मैंने ऐसा किया, उसके साथ साथ मेरे जीवन में आशा आई, मेरे जीवन में खुशी आई, सबसे बड़ी बात मेरे जीवन में शाश्वत जीवन आ गया। आज संध्या के समय जितने भाई और बहन लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उनमें यदि एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने इस शाश्वत जीवन को नहीं पाया है तो इस सभा के अंत में जब सब लोग पीछे की तरफ चाय पानी के लिए जाएंगे उस समय आप मेरे पास आइए, मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन पा सकें। लेकिन इस सभा में इस तरह के भी कई लोग हैं जिन्होंने जीवन में शाश्वत जीवन पा लिया है, जिनसे यदि पूछें कि भाई बहन आज यदि आप इस दुनिया को छोड़ जाते हैं कहाँ जाएंगे, तो उनका जवाब होगा मुझे तो प्रभु से शाश्वत जीवन मिल चुका है इसलिए मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा। मुझसे यदि आप पूछें मेरा जवाब यह होगा आज यदि मैं इस संसार को छोड़ जाऊंगा तो मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा। ऐसे लोगों से प्रभु का वचन, ऐसे लोगों से भी प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शाश्वत जीवन पा लेने के बाद भी हम में से कई लोग इस संसार में रहते हुए गलत काम करते हैं, गलत बातें सोचते हैं, गलत बातें करना चाहते हैं, गलत बातें छुप छुप कर करते हैं। प्रभु का वचन इसलिए साफ साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने शाश्वत जीवन पा लिया है वो कहे कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से जितने लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पा लिया है हमारे अंदर भी पाप है, हमारे अंदर भी पाप से भरी हुई भावनाएं हैं, पाप से भरी हुई वासनाएं हैं जो हमको सही रास्ते से गलत रास्ते की ओर ले जाने के लिए कोशिश करता है। रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय को जब आपको समय मिले तो रोमियो की पत्री 7वें अध्याय को जरा खोलकर उसके जो आखिरी 8-10 पद हैं उनको अच्छी तरह से पढ़कर देखें। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय के आखिरी जो पद हैं वे हमको ये बात स्पष्टतया बताते हैं कि हम
पाप से भरा हुआ जीवन पसंद नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने हम लोग पाप से भरे हुए जीवन को चुन लेते हैं और पाप से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। ये जो पद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रोमियो 7वें अध्याय के 14वें पद से आरंभ होता है और 21वें पद को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियो 7:21। वैसे आपको जो पोर्शन पढ़ना है वो रोमियो 7:14 से लेकर 25 तक है, उसमें 21वां पद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इस प्रकार मैं ये पाता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। ऐसा क्यों? एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है, जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचान लिया है, जिसको इस बात की गारंटी है कि उसको शाश्वत जीवन मिल चुका है, जिसको इस बात की गारंटी है कि इस पृथ्वी को छोड़ के जब वो जाएगा तब वो प्रभु की उपस्थिति में और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, वो व्यक्ति जब अपने जीवन को देखता है तो पाता है कि जो नहीं करना चाहता वो करता है, और जो करता है वो ऐसी बातें हैं जिनको वो करना नहीं चाहता था। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई ये कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सवाल ये है कि यदि हम में से जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, ऐसे लोगों के बीच में जीवन में भी यदि पाप प्रवेश करता है तो उसका हल क्या है? पाप का हल क्या है? जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा होते ना होते हुए भी पाप प्रवेश कर जाता है तो उसका हल, उसके लिए क्या रास्ता है, ये 9वें पद में दिया हुआ है। ये 9वां पद एक्चुअली 8, 9, 10, ये तीन पद हर विश्वासी को याद कर लेना चाहिए, अपने बच्चों को याद करवा देना चाहिए। यहाँ पर जो युवा लोग बैठे हैं मैं उनको याद दिला दूँ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8, 9 और 10 याद कर लेना। पहला यूहन्ना 1:9 एक ऐसा पद है जिसे बचपन में ही मैंने याद कर लिया था, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे जीवन में पाप का प्रवेश नहीं होना चाहिए, खासकर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है उसके जीवन में पाप का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है वो स्वभाव बार बार पाप को खींच कर हमारे जीवन में ले आता है, और जब हमारा जो पापमय स्वभाव है वो ऐसे कर्मों को खींच कर हमारे जीवन में ले आता है, और जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने गलत काम किया, परमेश्वर की नज़र में मैंने गलत काम किया, इसको जब पहचान लेते हैं तब उसका हल क्या है? हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें पापों से क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। इसका मतलब क्या है? हम में से जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनमें से किसी के जीवन में भी कोई पाप आ जाता है, 50 प्रकार के पाप हो सकते हैं। दूसरे भाई या बहन को देखकर हमारे मन में जलन आ जाना, अनावश्यक रूप से
काम वासनाएं हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं, जरा से फायदे के लिए हम झूठ बोलते हैं, जरा से फायदे के लिए काम चोरी करते हैं, 50 प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं जो पाप से भरी हैं। विद्यार्थी लोग पढ़ने का समय पढ़ने के बदले खेल कूद में बिताते हैं या अनावश्यक इधर उधर की बातों में बिताते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने पाप है। क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको इस समय एक विद्यार्थी बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि विद्यार्थी के रूप में आप विश्वास योग्य रहें, विश्वास योग्य नहीं है तो वो पाप है। तो पाप का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जाने अनजाने 50 प्रकार के पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आप दुकान गए, दुकानदार ने आपको जो सब्जी जो प्याज तोल के दिया उसके बीच में एक सड़ा हुआ प्याज भी डाल दिया, तो वहाँ खड़े होके उसकी माँ बहन करने लगे, क्या जरूरत है? सड़ा हुआ प्याज निकाली और बोली कि भैया ये सड़ा हुआ, इसको बदल के दे दो। आप उससे कुछ भी बोलें, सड़े हुए प्याज के बदले वो अच्छा ही देगा, तो काहे को अपना मुंह गंदा करते हैं? क्योंकि मुंह गंदा करेंगे मन गंदा होगा, मुंह और मन गंदा होगा वो प्रभु के सामने पाप है। उसके बदले बोल दो कि अरे भैया ये एक आलू या ये जो प्याज तुमने दिए तो सड़ा हुआ था, इसको बदल दो, बदल देगा। तो मैं ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि हम लोग जाने अनजाने इवन छोटी छोटी बातों में पाप करते हैं। और बोली से वाणी से पाप करना तो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है। मन से पाप करना वो भी बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है। जो बातें सोचनी नहीं चाहिए ऐसी बातें सोचना, प्रभु का वचन उसका सॉल्यूशन या उसका हल देता है। पहली बात ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, पाप है। दूसरी बात, जब पाप में फंस जाते हो और जब तुमको ये पता चल जाता है, मन में बोध आता है कि मैंने पाप किया है, तो तुरंत प्रभु के सामने मान लो। यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आप पूछेंगे कि ठीक है शास्त्री सर, मैंने 10 पाप किए जिसमें 7 जो है वो तो मैं समझ गया कि पाप है, मैंने प्रभु से क्षमा मांग ली। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पाप मैंने ऐसे किए हों जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि वो पाप है। इसीलिए उस प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। मतलब हम जाने हुए पापों को जब मान लेते हैं तो जो अनजाने जो पाप हमारे जीवन में है सब अधर्म, प्रभु उसको भी शुद्ध कर देते हैं। तो इस कारण आज जो भाई और बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसमें से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से कोई भी संत नहीं है। और यदि इस सभा में कोई संत हो तो खड़ा हो जाए, जिससे कि हम सब आपके चरणों पर गिर के आपकी वंदना कर सकें। कोई नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति हुआ है जिसके चरणों में गिरकर हम वंदना कर सकते हैं, आप निष्पाप हैं। कौन है वो? प्रभु यीशु। उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके चरणों में गिरकर हम उसकी वंदना कर सकें। हम में से सभी लोग पाप में फंसते हैं, जानकर भी अनजाने भी। जानकर कैसे फंसते हैं? जिसको पढ़ाई करनी है वो लापरवाही करता है, जिसको नौकरी करनी है वो जो है नौकरी करने के बदले जो है लापरवाही करता है। 50 तरीके हैं जिससे हम पाप करते हैं। दूसरों के विरुद्ध जलन,
और भी बहुत सारी बातें मैंने दो चार छोटी छोटी बातें बताई हैं। हल क्या है, प्रभु से बोल दीजिए, प्रभु आज मैं सब्जी लेने गया, सब्जी वाले से बहुत ही गंदे दो शब्द बोले, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। जैसे ही आप प्रभु से, प्रभु के सामने मान लेते हैं, प्रभु आपको क्षमा करते हैं, और जो पाप आपको याद नहीं उससे भी आपको शुद्ध करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, जैसे 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 हम अपने पापों को मानकर प्रभु से क्षमा प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे पाप से भरे हुए जीवन से अलगाव प्राप्त होता है। वो अपने अपने एक अलग विषय है जिसको हम अलग से, प्रभु ने मदद की तो देखेंगे, लेकिन आज शाम को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम प्रभु के से क्षमा मांगते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में पाप से अलगाव पैदा होगा। जब बार बार हम कह देते हैं ये गलत था मैंने गलत किया, ये गलत था मैंने गलत किया, वो गलत था मैंने गलत किया, प्रभु मैंने गलत किया, जब बार बार प्रभु के सामने मान लेते हैं, तो हमारे जीवन में जो गलत कार्य हैं उन कार्यों को करने के विरुद्ध एक अलगाव पैदा होता है। ऐसे जीवन को विशुद्ध जीवन कहा जाता है, पवित्र जीवन कहा जाता है। जैसे जैसे हम अपने पापों को मानते जाएंगे, वैसे वैसे हम पवित्रीकरण की और बढ़ते चले जाएंगे। पूर्ण पवित्रता हम में से कोई हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम अपने पापों को मानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन और अधिक पवित्र होता चला जाएगा। तो आज हमने जो दो बातें देखी उसका सारांश मैं आपको याद दिला दूं। आज जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनमें से जिन्होंने प्रभु को कभी भी मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया है, वे तो ये कह ही नहीं सकते कि मेरे जीवन में पाप नहीं है। अरे भैया, पाप का जब तुमने हल ही नहीं किया तो तुम कैसे कह सकते हो कि पाप नहीं है? पाप ही पाप है तुम्हारे जीवन में। इसलिए प्रभु के पास जाकर, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों से क्षमा पाना। लेकिन जिन्होंने क्षमा पाई है उनको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जाने अनजाने हमारे जीवन में पाप तमाम तरीके से प्रवेश करता है। मनसा वाच्या कर्मणा, मतलब मन से, वाच्या मुँह से, कर्मणा कर्मों के द्वारा पाप प्रवेश करता है। जब प्रवेश कर जाता है और जब हम पहचान लेते हैं कि हमने पाप किया, तो पहला यूहन्ना 1:9 के आधार पर प्रभु से अपने पापों को मान लेना जरूरी है, और जैसे ही मान लेते हैं प्रभु हमको क्षमा देते हैं, और जैसे जैसे हम क्षमा प्राप्त जीवन बिताएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में पाप से जो अलगाव आएगा, जो विशुद्धिकरण होगा, जो पवित्रीकरण होगा, उसको हम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे। मैं एक उदाहरण के साथ क्लोज करना चाहता हूँ। हमारा जो गांव है, यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, गांव के पास एक छोटा सा शहर है तिरवल्ला। तिरवल्ला धनी लोगों का शहर है, बेहद धनी लोगों का शहर है, और वहाँ तमाम तरह के सामाजिक प्रोग्राम्स हुआ करते हैं। जैसे 26 जनवरी शहर में मसीही गैर मसीही सब लोग एक साथ मनाते हैं, 15 अगस्त लोग एक साथ मनाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम मनाया जाता है, पैसे का थैला एक मसीही भाई है हमेशा। ये लोग जो त्यौहार मनाते हैं, इसमें मसीही लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, नास्तिक लोग हैं, लेकिन जब भी ये लोग एक साथ कोई प्रोग्राम करते हैं तो पैसे की थैलियाँ इस भाई को दी जाती है। क्यों, कौन सी विशेषता है? विशेषता ये है कि पिछले दसियों सालों में उस प्रदेश के लोगों ने इस बात को पाया है, ये व्यक्ति
जीवन में पवित्र है। ये व्यक्ति अनावश्यक दूसरों से, उसको ना तो जलन है ना प्रतियोगिता है, ये पैसे को कभी हाथ नहीं लगाता, अपनी इनकम अपना बिजनेस, दूसरे का पैसा उसको प्रभु का पैसा जान के उसको हैंडल करता है। जब भी मैं उस भाई की बिल्डिंग के बगल से निकलता हूँ, आज भी जब मैं निकलता हूँ, तब बार बार मैं इस बात को याद करता हूँ कि इस भवन में एक भाई रहते थे, आज वो जीवित हैं क्या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी उनसे जान पहचान आज से 45 साल पहले हुई थी, तभी वो बुजुर्ग थे, लेकिन जब भी मैं निकलता हूँ वो बिल्डिंग देखते ही मुझे याद आता है। ये एक विश्वस्त भाई थे जो चाहे तो करोड़ों बना सकते थे, लेकिन जिंदगी भर पैसे के मामले में इतने विश्वस्त रहे कि उनके चारों तरफ गैर मसीही लोग भी उसको बहुत मानते थे। तो जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है तो उसको जब मानकर उससे शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में एक विशुद्धि प्रवेश करती है जिसे गैर मसीही लोग तक पहचान जाते हैं। इन बातों को प्रभु ने मदद की तो हम और थोड़ा सा विस्तार से आने वाले हफ्तों में देखेंगे। आज इस तरह से खड़े होकर प्रभु का संदेश देने के लिए प्रभु ने मुझे बल और शक्ति दी, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी तबीयत पूर्ण रूप से सामान्य नहीं हुई है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। भाई मनोज से मेरा रिक्वेस्ट है कि आगे आकर क्लोजिंग प्रेयर प्रार्थना में इस सभा को समाप्त करें, उसके बाद सब। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।